हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है, रिगर का मतलब क्या है, रिगर का मीनिंग क्या है, या रिगर का डिफिनेशन क्या है, रिगर में फ़र्क क्या है, रिगर में क्या क्या क्वालिटी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट की तरफ देखते हैं कि जैसा एक भाई ने कमेंट किया कि रिगर का मतलब क्या है, रिगर का मीनिंग क्या है, कुछ इस तरीके से। तो आप भी हर वीडियो के अंदर इसी तरीके से आप कमेंट ज़रूर करें हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको इसका आंसर कोई वीडियो में, कोई लाइव वीडियो में आपको ज़रूर दूँ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले, रिगर का काम उनमें से एक है जो भारी वस्तु को बांधना, जोड़ना या एक जगह से दूसरी जगह शिप करना बाई मशीनरी के ज़रिए, या कुछ मशीनरी का सहारा लेकर एक सामान को दूसरी जगह शिप करना, रिगर का यही काम है। लेकिन रिगर में बहुत सारे क्वालिटी है जो होना चाहिए, रिगर में बहुत कुछ जो चीज़ है वो चीज़ होना चाहिए। वो क्या क्या चीज़ है वो इसी वीडियो के अंदर कवर करूँगा, क्योंकि रिगर का खाली मतलब से नहीं होता है। रिगर में आपने सुन लिया कि रिगर का ये मतलब है, ये मीनिंग है, ये काम है, लेकिन जब तक आपको रिगर का क्वालिटी आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि रिगर का क्वालिटी क्या है। तो क्योंकि काफ़ी लंबा है और मैंने इसकी वजह से कुछ नोट में लिखा है, काफ़ी लंबा, इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो रिगर का काम, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिगर का काम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पावर लाइन, मतलब ऑल इंडस्ट्रियल में इनका काम होता है। ऑल साइट पर जो कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, सिविल लाइन हो गया, उसके बाद आपका वर्कशॉप हो गया, मतलब हर जगह पर काम लगता है। ये रिगर का काम जो है वो काफ़ी जगह पर इन सब चीज़ों का नीड होता है। तो ये तो आप समझ गए रिगर का काम कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है, एक रिगर को बहुत सारी जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या है, रिगर को सबसे ज़्यादा जो जानकारी वो साइट का, वो अपने काम का, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट काम होगा, रिगर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। या आप पावर प्लांट में है, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जैसे आप ऑयल एंड गैस में पहुँच गए या ऑफशोर में पहुँच गए, वहाँ पर कुछ थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होगा। तो ये आपका जो एक्सपीरियंस है, ये आपको काफ़ी क्वालिटी बनाता है, काफ़ी अच्छा बनाता है आपको। तो सबसे पहला यही चीज़ है, जैसे कंस्ट्रक्शन और बहुत सारे जगह और प्लांट में क्रेन या लोड, जैसे कंक्रीट पाइप को बांधना और एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कंस्ट्रक्शन में काम होता है, भारी भारी मशीनरी होती है, आप देखे होंगे टेलर के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आती है, उसको लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, शिफ्टिंग करना, इरेक्शन करना, काफ़ी जगह पर होता है। वर्कशॉप के अंदर रिगर का यही काम है, इरेक्शन करना, असेंबली करना, अलाइनमेंट करना कोई मटेरियल को, या कोई मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग करना, या किसी मटेरियल को शिफ्टिंग करना। तो इसी तरीके से सारा कुछ काम होता है, ये दूसरा नंबर पर है। तो तीसरा नंबर पर हम बढ़ते हैं, रिगर एक्सपर्ट के लिए ये सब ऑपरेशन स्मूथली होता है, ये जो तीसरा ऑप्शन है। रिगर जो एक्सपर्ट जब हो जाता है, ये सब जितना ऑपरेशन होता है उसके लिए बहुत इजी और स्मूथली, जैसा वो बिल्कुल इजीली काम करता है। उसके बाद चौथे नंबर पर है, रिगर को जो जानकारी वायर रोप सीलिंग्स लोड इसके बारे में, और उसके बाद सीलिंग्स, जैसा मैंने आपको कहा चौथे नंबर पर, ये सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। जैसे वायर रोप, टाइप ऑफ वायर रोप कितना है, वेब सीलिंग, वायर रोप सीलिंग, चैन सीलिंग, कुछ इस तरीके से सारा कुछ सीलिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए, ये रिगर का एक क्वालिटी है। उसके बाद जब हम पांचवें नंबर पर जाते हैं, रिगर को हजार्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन सा हजार्ड, कौन से टाइप का हजार्ड, क्या लोड के अंदर कौन सा हजार्ड आ सकता है, क्या प्रिपरेशन हमें करना चाहिए, क्या हमें मेज़र करना चाहिए। तो सारा कुछ पहले से वो
करके रखना चाहिए। जैसे हमने कोई लोड बांधा, लोड उठाने से पहले हमको पहले सोचना है कि लोड उठाने से पहले क्या क्या हज़ार्ड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोड उठाने से पहले अगर लोड आपका उठाने वाला है तो उससे में क्या क्या होगा हज़ार्ड, जैसे लोड गिर सकता है, स्लिप हो सकता है, सीलिंग टूट सकता है, कोई आदमी सस्पेंडेड लोड में ना आए, सस्पेंडेड लोड हो सकता है, लाइन ऑफ फायर हो सकता है, बूम के नीचे लोग आ सकते हैं, या बहुत सारे कोलैप्स हो सकता है, स्लिप हो सकता है लोड, बहुत सारे जो माइंड में आप इसी तरीके से आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रिगर के अंदर ये चीज़ की क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद हम छठे नंबर पर बढ़ते हैं, रिगर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। ये रिगर का सबसे अच्छा क्वालिटी में है। रिगर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर मटेरियल के अनुसार आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, जैसे पावर प्लांट में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैं 100% रिगर हो गया, नहीं, आपको लाइफ में एक अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि एक अलग अलग दिशा का आपको मटेरियल मिलेगा, उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी करके निकालना है। यही रिगर का एक क्वालिटी है। चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि रिगर का इसमें मैं क्वालिटी आपको मैं बता रहा हूँ, तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। उसके बाद सातवां नंबर है रिगर का सिग्नल और कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए रिगर और ऑपरेटर के बीच में। ये सबसे खास ज़रूरी है। अगर आपके सिग्नल से ऑपरेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है या आपका वो सिग्नल समझ नहीं पा रहा है तो इसमें इंसिडेंट और एक्सीडेंट होने का काफ़ी चांस है। तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करें। कभी भी आपका जो कम्युनिकेट है, जो कम्युनिकेशन है, जो टीम मेंबर है, उससे प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे आपका रिगर भी आ सकता है, आपका रिगर का जो टीम है, टीम मेंबर वो भी आ सकता है, उसमें किरण ऑपरेटर आ सकता है, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर हम एक रीगर है, हमारा ये क्वालिटी बनता है, हमारा ये एक अच्छा एक्सपीरियंस बनता है कि हम जो टीम वर्क है उसको प्रॉपर कम्युनिकेट करके लेके चले, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सातवां नंबर पे है। और उसके बाद जो आठवां नंबर पर है, रीगर को डिफरेंट टाइप रिंगिंग इक्विपमेंट और सीलिंग और साइकिल सही से यूज़ करने के लिए प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। जैसे रीगर का जो डिफरेंट साइकिल है, बो साइकिल है, डी साइकिल है, तो बो साइकिल भाई किस लिए यूज़ होता है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। डी साइकिल किस लिए यूज़ होता है, डी साइकिल किस लिए यूज़ होता है, आपको इन सब चीज़ों में क्वालिटी में मालूम होना चाहिए। तो इसी तरीके से, क्योंकि इसमें मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे चोकर हिच, रिगर को चोकर हिच के बारे में मालूम होना चाहिए। चोकर हिच क्या है, जैसे हम लोग कोई सीलिंग्स को फंदा लगाते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग जो फंदा लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से चोकर हिच होता है। और विंच मशीन क्या होता है, विंच मशीन एक हमारा एक जुगाड़ होता है जो हम लोग लिफ्टिंग करते हैं और जो बहुत सारे उसमें काम हो सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा जुगाड़ है। ये विंच मशीन देख रहे हैं, जैसा इंडिया में हम लोग काफ़ी टाइम यूज़ करते हैं, तो विंच मशीन के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, उसका इंस्पेक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके इक्विपमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए, और यूज़ करने से पहले आपको पूरा फंक्शन के बारे में उसका ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 9, हैवी इक्विपमेंट कन्फाइन स्पेस सेफली लिफ्टिंग। कोई भी हैवी लिफ्टिंग कभी कभी हम लोग करते हैं कि कन्फाइन स्पेस में भी कोई मटेरियल डालना होता है, ये आप खास ध्यान देते हो। कन्फाइन स्पेस में कोई भी मटेरियल डालने से पहले आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, प्रॉपर जानकारी लेना पड़ेगा, क्योंकि कन्फाइन स्पेस में काफ़ी ज़्यादा हजार्डस होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, H2S गैस होता है उसके अंदर, और भी एक्सप्लोजन कोई गैस होता है उसके अंदर, बहुत सारी ऐसा बीमारियाँ जिसको बोलते हैं डेंजर, उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है कन्फाइन स्पेस में, तो आपको उसको प्रॉपर चेक करके प्रॉपर उसको आपको उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास इसका कुछ नॉलेज नहीं है, आप दूसरे डिपार्टमेंट से उसको चेक करवा के आप फिर उसके अंदर काम कर सकते हैं। और काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की प्रिकॉशन होगी, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, उसका प्रॉपर जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। ये रिगर का एक क्वालिटी है। उसके बाद नंबर 10वें पे डीप और टर्न सस्पेंडेड लोड, ये आपको हजार्ड के बारे में बता रहा है। डीप ओवर टर्न जैसा हम लोग करते हैं, डीप का जो ओवर टर्न है, फिर सस्पेंडेड लोड है, एक और हजार्ड है ओवरहेड है,
ओवरहेड पावर लाइन, जो ओवरहेड के पावर लाइन पे जो जा रहा है उसके बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए। ओवरहेड पावर लाइन जब गया हुआ उससे कितना डिस्टेंस पर होता है, ये ज़्यादातर देखा गया है 10 मीटर 15 मीटर इसमें डिस्टेंस होता है, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको पूरा प्रॉपर जानकारी लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसमें एक क्वालिटी बता रहा हूँ कि रिगर में ये क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड क्या होता है, कोई भी लोड के नीचे कोई भी आदमी गुजर रहा है या कोई आदमी खड़ा है या आप ही कहीं खड़े हो तो ये एक सस्पेंडेड लोड हो जाता है। डीप ओवरटर्न, कोई भी मटेरियल को सडनली स्विंग करना, ये तो ऑपरेटर की गलती होती है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए या ऑपरेटर को करने के लिए नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम 11वें नंबर पर जाते हैं, इक्विपमेंट लिफ्टिंग टूल टैकल्स क्लीन एंड स्टोर रिंगिंग, स्टोर रिगर जो हम लोग लिफ्टिंग इक्विपमेंट टूल टैकल जो यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसको प्रॉपर अच्छे जगह पर रिंगिंग स्टोर में जमा करना चाहिए, उसको आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई भी चीज़ को, इक्विपमेंट को, टूल टैकल्स को यूज़ करते हो क्योंकि वो जान बचाने के साथ साथ वो आपको आपका साथ भी दे रहा है, क्योंकि उसमें डस्ट लगेगा, उसमें केमिकल रिएक्ट होगा उससे जिससे कैपेसिटी कम होगा। वेब सीलिंग के अंदर आप देखे होंगे कितना ऑयली होने के बाद उसका कैपेसिटी कम हो जाता है, डस्ट होता है, वाटर से ख़राब होता है, फिर केमिकल रिएक्ट होता है, तो कुछ इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों से बचाना है। तो आप किस तरीके से बचाएंगे ये आपकी अच्छी क्वालिटी पहचान देती है। उसके बाद नंबर 12 पर रिगर मस्त कंप्लीट रूल्स रेगुलेशंस एंड लिफ्टिंग्स रेगुलेशंस सेफ्टी रिक्वायरमेंट का प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, जो सेफ्टी का जो जितना रिक्वायरमेंट है लिफ्टिंग टूल साइकल्स या क्या क्या रूल्स है, लिफ्टिंग उठाने से पहले हमको क्या क्या रूल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लगेगा, जैसे हमको पावर परमिट लगेगा, लिफ्टिंग प्लान लगेगा, उसके बाद हमें और क्या SWP लगेगा, कुछ इस तरीके से जहां कंपनी का जो स्टैंडर्ड होता है वहां पर आपको प्रॉपर मालूम करके आपको उनको उनका रूल्स यूज़ करना होगा, उसको रूल्स को आप अपने लाइफ में अपने रिगर के वर्क में अप्लाई करना होगा। तो इसी तरीके से 12वां नंबर ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो 13वां नंबर है रिगर नॉट स्पेशल रिंगिंग वर्क, रिगर कोई का रिगर जो अभी मैं इतना चीज़ बोला आपके माइंड में आएगा कि रिगर का क्या कोई स्पेशल वर्क है, नहीं, रिगर आप भी सीख सकते हो, रिगर हर कोई सीख सकता है, लेकिन उसमें ये चीज़ क्वालिटी ज़रूर होना चाहिए कि रिगर आपको बनना है, रिगर में क्या क्या क्वालिटी होता है तो आप बन सकते हो इन सब क्वालिटी को लेकर। तो रिगर स्पेशल कोई वर्क नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करोगे ये सबसे बेस्ट जॉब है। उसके बाद ऑल ट्रेड वाले कर सकते हैं और स्किल्स वाले का इस जॉब को कर सकते हैं बहुत इजीली। जैसे अगर कोई वेल्डर है, कोई पैप फिटर है, कोई स्कर्फ होल्डर है, लेकिन हर कोई कर सकता है, ये तो आपको एक फॉर एग्जांपल के लिए बताया गया। लेकिन आप ये वीडियो को देखने के बाद ये मत सोचो कि मुझे मैं पहले वेल्डर था या रिगर में जाऊंगा, नहीं, वेल्डर भी एक अच्छा जॉब है, रिगर भी एक अच्छा जॉब है, सब वो अपने अपने जगह पर काफ़ी अच्छे है, लेकिन आपको जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट है उस जगह पर आपको बढ़ना चाहिए ताकि आपको और बहुत इजी हो। आपको ये नहीं करना चाहिए पहले मैं इस जॉब में था फिर इस जॉब में जाओ, इस जॉब से उस जॉब में जाओ, इस जॉब से, उसमें तो आपका लाइफ ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इन चीज़ों पर ध्यान दें। उसके बाद 14 नंबर, ये सबसे अच्छा ज़रूरी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए रिगर में, हाई स्कूल डिप्लोमा और GED, इन सब चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है रिगर में। अगर रिगर के पास ये चीज़ होता है काफ़ी वो क्वालिफाइड रिगर माना जाता है और वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया बिना पढ़े लिखे लोग भी रिगर के अंदर है और वो अपनी लाइफ में अगर उसका आदत अच्छा है, क्वालिटी है, ये इस क्वालिटी को वो खुद मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट है। तो नंबर 15 पे फिज़िकली फिट होना चाहिए, हाथ बॉडी आँख हर चीज़ उसका फिज़िकली जो फिट होना चाहिए, ये 15वें नंबर पर है। और उसके बाद जो 16वां नंबर है वो रिगर टूल्स एंड रीड प्लान्स,
रीगर का जो टूल्स है, जो टैग लाइन, जो देखो टूल्स में जो टैग वगैरह होता है उसको रीड करने के लिए प्रॉपर आना चाहिए। इसके लिए मैं पहले हाई स्कूल और डिप्लोमा और जीईडी बताया, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा आपको जानकारी मिलेगा। उस जानकारी को लेकर अगर आप यूज़ करोगे तो आप कैसा है, आप प्रॉपर एक अच्छे रास्ते पर उस सीलिंग्स को, उस टूल्स को, उस इक्विपमेंट को आप प्रॉपर यूज़ करोगे, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए आता है, आपको पूछने किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप प्रॉपर पढ़े और प्रॉपर उन चीज़ों का यूज़ किए। तो रीगर टूल्स और रीड प्लान, लिफ्टिंग प्लान, रीड प्लान या और भी जो कैलकुलेशंस होते हैं जो उसके अंदर प्रिपरेशन हमें की करना होता है लिफ्टिंग प्लान में, हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग में, उसको प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए और प्रॉपर रीड करने के लिए आना चाहिए और प्रॉपर समझ में भी आपको आना चाहिए। उसके बाद जो 17 नंबर पर लिफ्टिंग इक्विपमेंट का सही से चलाना आना चाहिए। जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे लिफ्टिंग इक्विपमेंट में क्या है, बहुत सारी चीज़ है, चैन ब्लॉक भी आता है, फिर विंच मशीन भी आता है, फिर और भी बहुत सारे जो मशीनें हैं, कैमलोन है, लीवर होस्ट है, बहुत सारी जो चीज़ है, हुक चुक जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, स्पाइडर बीम है, फिर और भी बहुत सारे जो इक्विपमेंट, जो टूल्स, टैकल्स है, सबको प्रॉपर यूज़ करने के लिए और प्रॉपर इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। अगर आप ऑपरेटर है तो भी रीगर का तो आधा काम आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप रीगर हो तो रीगर में रहकर थोड़ा बहुत ऑपरेटर का भी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर पर पावर टूल्स स्किल होना चाहिए। पावर टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे पावर टूल्स में आप देखा होगा, हम लोग जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग उठाने के लिए जैक का यूज़ करते हैं, कोई भी हैवी मशीन को, कोई हैवी इक्विपमेंट्स को शिफ्टिंग करने के लिए या थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग जैसे हम लोग उन मशीनों का यूज़ करते हैं, जैक वगैरह का, तो उसको पावर टूल्स, जितना भी पावर टूल्स है, ट्रॉली है, पावर टूल्स जो भी है, इक्विपमेंट है लिफ्टिंग टूल्स साइकिल्स में, उसको प्रॉपर यूज़ करने के लिए स्किल्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए। 19वें नंबर पर है रीगर का कुछ डिफरेंट थर्ड पार्टी रिक्वायरमेंट होता है। ये चीज़ रीगर अगर आप में इतना क्वालिटी है, 19वां नंबर पर ये बताया जा रहा है, रीगर का कुछ डिफरेंट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी होता है, लेकिन आपको इंडिया में बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, और आप लोग कमेंट भी मत करना कि रीगर का थर्ड पार्टी होता है और ऑलरेडी हमारे पास भी है, लेकिन जो गल्फ में काम कर रहे हैं उसको खुद कंपनी बना कर देती है, हम लोग आज तक अपने से बनाए नहीं है, हम लोगों को अभी तक कोई नॉलेज नहीं है कैसे बनता है, क्या बनता है, लेकिन हाँ कंपनी हमें हायर करती है, कंपनी उनको बुलाती है और कंपनी बुलाकर हमको वहाँ उसके पास भेजती है, हम वहाँ पर कोर्स करते हैं, कोर्स करने के बाद वहाँ पर हमें सिखाया जाता है, वहाँ पे फिर हमें एक थर्ड पार्टी कार्ड दिया जाता है, जैसे ओशा, लोलीर, फिर लिया, और जैसे बहुत सारे डिफरेंट वेलोसी है, फिर वीरतस बीरू है, और बहुत सारे TUV भी वाले भी है, बहुत सारे थर्ड पार्टी है, दुनिया में 7 तरीके का थर्ड पार्टी होता है, आप ये जान लें कि दुनिया में 7 तरीके का थर्ड पार्टी है। तो इसी तरीके से नंबर 20वें पे है ओशा क्वालिफाइड रीगर सर्टिफिकेशन और एक्सपीरियंस से मैनेज और सॉल्व प्रॉब्लम विथ रीगर लोड्स। मतलब ओशा ये दावा कर रहा है कि अगर आप ओशा का कोई भी ऐसा कोर्स करते हो, कुछ क्वालिफाइड अगर ओशा के हो, तो आप एक अच्छे क्वालिफिकेशंस सर्टिफाइड और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा, वो आपको इतना एक भरोसा दे रहा है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ओशा की तरफ से, लेकिन ओशा का ये कहना है कि अगर आप हमारे तरफ से इस कोर्स को करते हो, हम प्रॉपर जानकारी देंगे, हम उसका गारंटी भी देंगे कि आप अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे इधर से सीख के जाओगे। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके बाद ओशा और बहुत सारे जो कंसल्ट ट्रेनिंग सेम स्कूल, बहुत सारे डिफरेंट है, ओशा भी है, जैसे मैंने आपको बताया 7 तरीके का कुछ एक थर्ड पार्टी होता है रीगर का, बहुत सारे हैं। तो ये तो बात हो गई। 23वें नंबर पर है ओशा रीगर सैलरी अरेंज, जो अमेरिका में जो ओशा के जो सैलरी है
वहाँ का जो गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट किया हुआ है वो $50,270 पर मंथ सैलरी ये ओशा का जो वहाँ से जो कोर्स कर कर आएगा। जैसे आप सऊदी में देखे होंगे अरामको जो रिटर्न है, अरामको को कितना सैलरी मिलता है, एक अरामको को रीगर अगर थ्री है, अरामको रीगर थ्री है तो उसका जो सैलरी लगभग अप्रोक्स उसका 7,000-6,000 से स्टार्टिंग होता है। उसके बाद अगर रीगर टू होता है वो 12,000 में जाता है, 12,000 से 13,000 में जाता है। फिर उसके बाद रीगर वन होता है वो 22,000-30,000 या 22,000 भी होता है, और भी तो उसमें कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो भी मैं हिसाब आपको बताया कुछ इसी तरीके से। लेकिन ओशा का रीगर जो सैलरी जो एवरेज बताया गया है बाई गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो $50,270 रीगर का जो सैलरी होता है ये उसका एग्रीमेंट में होता है। ओशा वाला एक वादा कर रहा है, एक दावा कर रहा है इसी तरीके से, बट मुझे मालूम नहीं है ओशा का क्या ये रियल और फेक है, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। इस वीडियो में अगर सीखा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आई होप आपने हर वीडियो को, वीडियो में आपको कमेंट ज़रूर करना है, जो आप अगर कमेंट करते हैं तो छोटा सा एक शॉर्ट कमेंट करें, उसमें आपका कोई क्वेश्चंस ना हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस वाला आप कमेंट अगर करते हो ज़्यादा लंबा तो हमारे तरफ नहीं पहुंचता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक।